हेलो गाइस, मैं फाजिल बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो में हम करने वाले हैं आज पुअर पीपल्स की हेल्प, और देखते हैं पहले उनका होनेस्टी टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद में उनकी हेल्प करने वाले हैं। तो आज की वीडियो मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल है, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सपोर्ट जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना। चलिए वीडियो के बाद मिलते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। और बाबूजी कैसे हो? बस बढ़िया है, आप सुनाओ। बस बढ़िया। और 10 का? ये 10 का है। हाँ जी। एक्चुअल में क्या है, मेरे पास पैसे नहीं है, अगर आप बिना पैसों के दे सकते हो? कोई बात नहीं, डाल दो, दान पुण्य वाला काम है, फिर कभी आओगे फिर दे देना। बाद में ले लोगे ना आप कभी? कोई बात नहीं, जब आपका चक्कर लगेगा तब दे जाना। कोई प्रॉब्लम नहीं है मतलब आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, थैंक यू। तो बाबूजी आपको पैसे कोई मतलब चिंता वाली बात तो नहीं है, टेंशन वाली बात कुछ? नहीं, कोई बात नहीं। आपका नाम क्या है? अच्छा ये बताओ। नरेश। मिस्टर नरेश नाम है आपका। मैं ये देख रहा हूँ मतलब आप यहाँ इतनी पुण्य की जगह आए, मतलब नाच दाना लोग मतलब कबूतरों को खिलाते हैं, और आपने मतलब मुझसे पैसे तक नहीं मांगे। तो कोई बात नहीं, आप दान पुण्य करने आए हो श्रद्धा से, ठीक है। वैसे आपका रोज का नहीं तो कल दे दोगे, परसों दे दोगे, पर दोगे तो सही, मेरा हाथ थोड़ी खाओगे। नरेश जी वैसे कितना बन जाता आपका एक दिन का? एक दिन का 250-300 रुपया निकल जाता है, घर का खर्चा पानी चल जाता है बहुत। 250-300 बन जाता है। जैसे आपका ये पैर में मतलब प्रॉब्लम है, मतलब दोनों टांगे नहीं है आपकी, तो ये कब से? ये 15-16 साल की उम्र से। 15-16 साल की उम्र, मतलब क्या हो गया था उस टाइम, थोड़ा सा बताएंगे? नीचे आ गया। अच्छा, ट्रेन के नीचे आ गए थे आप, तो क्या मतलब ऐसी अचानक क्या इंसिडेंट था वो? काम पे जा रहा था, चलते चलते पटरी पीछे से गाड़ी आई, पता नहीं चला। तो आप ऐसे लोगों के लिए मिसाल है, मतलब जो ना जवानी के टाइम पे या पढ़ लिखने के बाद भी कुछ करना नहीं चाहते, या ज़्यादा उम्र होने के बाद कुछ करना नहीं चाहते, मतलब मैं देख रहा हूँ आपकी हिम्मत को कि आपकी दोनों टांगे नहीं हैं और फिर भी आप मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं। हिम्मत करेंगे तो खाएंगे, अच्छा फैमिली हमको कौन पूछेगा, बेटे को कौन पूछेगा, सही बात है। तो फैमिली में कौन कौन है आपकी? फैमिली मेरी बीवी है, छोटा भाई है, मेरा एक लड़का है। अच्छा, तो बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। बाकी आप कहाँ से हैं थोड़ा सा बताएंगे मुझे? हम इधर से ही है, गुरदासपुर जिला। अच्छा, गुरदासपुर जिला, वैसे अमृतसर के नाम से है। अच्छा अच्छा, तो एक्चुअल में क्या है ना, मेरे पास पैसे थे लेकिन मैं देखना चाह रहा था कि आप मुझे बिना पैसों के देते हैं कि नहीं देते हैं, मतलब मैं एक हॉनेस्टी देख रहा था, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा लोग एक दूसरे की हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। हम किसी को नहीं मना करते इधर, क्योंकि हमको पैसे अपने आप ही दे जाते हैं। हाँ सही बात है, अगर किसी पे नहीं भी है फिर भी मतलब नहीं, कोई बात नहीं, उनका दान नहीं हमारा दान से ही। हाँ मतलब ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है कि आपने मुझसे पैसे नहीं मांगे, मैंने बोला नहीं है तो बोला आपने कोई बात नहीं है, ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। और वो मैं ना देख रहा था कि मतलब आप देंगे नहीं देंगे, मेरे पास पैसे हैं और आपकी हॉनेस्टी को मैं सलाम करता हूँ, मतलब आप बहुत ईमानदार हैं और ऐसे लोग होने चाहिए। आप 10-20 नहीं, 50 नहीं, आप मेरी तरफ से सारे रखिए, ठीक है? बस अपनी दुआओं में याद रखना। कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, सच में बहुत ज़्यादा खुशी हुई। हाँ
ठीक है, आते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू बाबू जी।